भाइयों, खुश रहना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग की सुनो, फिर अपने दिल की सुनो, और फिर वही करो जो आपकी बीवी कहती है। भैया, जब हवाई जहाज की तरह दोनों पांव बाहर आने लगे तो समझ जाइए स्कूटी वाली मोहतरमा ब्रेक लगाने वाली है। भैया, औरतें भी अजीब होती हैं। दोपहर में पड़ोसन से पति की बुराई करती हैं और रात में पति से पड़ोसन की। जानी, भीषण से भीषण ठंड भी महिलाओं की केवल नाक बंद करा सकती है, मुंह नहीं। हैप्पी विंटर्स। भाइयों, पत्नियां चाहती है कि उनका पति उन पर मरे, और जब वो उन पे मरता है तो वो कहती है कहीं और जाके मरे, और जब वो कहीं और जाके मरता है तो कहती कहां जाके मर गया। साला, इस चेहरे में जरूर कुछ बात है, तभी तो पलट कर लड़कियां नहीं देखती। भैया, किसी ने बड़े प्यार से एक शादीशुदा आदमी से पूछा, तुम ऑनलाइन कब आते हो? भैया, दर्द की दीवारें उठ पड़ी जब उसने कहा बर्तन धोने के बाद। भाइयों, गर्मियों में दिन में 3 बार नहाना और सर्दियों में 3 दिन में 1 बार नहाना बराबर समझा जाएगा। हाँ। मेरी बहन ने जब भी किसी चीज की ख्वाहिश की है तो मैंने उसे 1 की जगह 10 ला कर दी है। अब वो मुझसे कह रही है भैया भाभी चाहिए। भाइयों, एक बस उंगली करनी ही नहीं आती थी, एम्प्लॉयर ने वो भी करनी सिखा दी। मर भी गया तो तुमको करता रहूंगा प्यार, इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमी प्रेमिका को भूत बनकर डराना चाहता है। भाइयों, आज गहरा चिंतन किया तब जाके पता चला कि तुम लोगों की संगत में रहूंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा। भैया, घर में बीवी नहीं जीने देती और ऑफिस में बॉस, बताओ जाए तो जाए कहाँ? बताइए प्लीज। भैया, आजकल तो बीवियां भी ऐसी हो गई हैं, हर 2-4 दिन में मनानी पड़ती है। आज मैं सोच रहा था कि कोई गहरी बात लिखूं, फिर मैंने सोचा कहीं उसमें कोई डूब गया तो लेने के देने पर गया।